हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी की लीला क्या है, थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है। ये हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मुझे कुछ एनर्जी में चेंज लग रहा है, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपके लिए रीडिंग की जाए। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या निकल कर आता है, देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, उसकी क्या लीला है। अभी कोई नई चाल चलने वाली है क्या आपके पार्टनर को लेकर के? तो चलिए गाइस देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की लीला तो निराली है, वैसे ही इतनी ज़्यादा निराली है कि सभी को परेशान करके रख दिया है। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, वन मोर कार्ड प्लीज। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, ले लेते हैं इसको भी। उसके जस्ट नीचे है मैजिक वाला, कुछ इससे भी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर के क्या करने वाली है, क्या उसकी लीला है वो रच रही है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है, थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है। ज़्यादा हो जाएंगे कार्ड, इतने ही बहुत है, देख लेती हैं पहले, फिर दूसरे डेक से भी देखेंगे हम आपके बारे में थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, और आपके पर्सन को लेकर के अभी हम चेक करने वाले हैं कि वो क्या लीला रचने जा रही है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 70% लोग देख करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ आंकड़े होते हैं, कौन आते हैं और कौन देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं, सब कुछ डिटेल होती है हमारे पास। तो 70% लोग मेरी वीडियोज़ को देख कर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रोज़ सोचते रहते कोई टॉपिक नया लेकर आएँ, कोई टॉपिक नया लेकर आएँ, क्या करें अब मेरे व्यूवर्स को खुश रखने के लिए। तो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते तो बड़ी दुख की बात है, देख कर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो थर्ड पार्टी की लीला तो निराली है गाइस, यहाँ पर तो मुझे बहुत ही थर्ड पार्टी एडवेंचर करती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी में चेंजेस आ रहे हैं, नई नई ट्रिक लेके आ रही है वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए। चिपकुराम हो रही है वो, चिपक चिपक के रहना चाहती है, चाहे वो फैमिली है चाहे वो अदर पर्सन है, वो आपके पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रही है कि मुझे चाहे कितने दिन भी वेट करना पड़े, अगर आपके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे होंगे, मैंने बताया था पहले भी कि उनमें ऐसा चल रहा है मन मुटाव टाइप का, तो आपके पर्सन अगर उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो वेट करने को तैयार है। जैसे देख सकते हैं पानी में खड़े हैं और फिर भी मतलब खुश हैं कि कभी तो ऐसा दिन आएगा, कभी तो वो दिन आएगा, वो पल आएगा जब फिर से बात करना शुरू होंगे। ठीक है, तो वो आपके पार्टनर के लिए वेट कर सकते हैं कि वो कब बात करेंगे उनसे, फिर वो आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत दूर की सोच रही है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही दूर की सोच रही है कि आगे मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है जिनमें उनके फादर हो सकते हैं और किसी की मदर भी हो सकती है, दोनों ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और एक अदर पर्सन भी है। ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करने को तैयार है आपके पार्टनर का, और फैमिली मेम्बर्स भी
थोड़े दिन के लिए अगर बातचीत नहीं होती तो वो सोच रहे कि बात तो होगी, ज़रूर होगी, वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत दूर की सोच रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो अदर पर्सन हैं वो, कि आपके पार्टनर उनके पास बने रहें, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ब्यूटीफुल भी है, और ये लेडी है, स्मार्ट भी है। ये अपने चंगुल से आपके पार्टनर को निकलने नहीं देना चाहती है, चाहे उसको अफर्मेशंस का यूज़ करना पड़े, चाहे उसको मैनिफेस्टेशन का यूज़ करना पड़े। ये लेडी बहुत ही चलाक है, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक सब करने को तैयार है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही तेज़ लेडी है ये, इसकी आँखें इतनी नसीली है कि अपनी आँखों से ही मार देती है इंसान को, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ही सुकून से बैठी हुई है थर्ड पार्टी, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके पर्सन जो है उनसे दूर चले जाएं। उनको ऐसा लगता है कि आना तो यहीं पे है। आप देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक जो कलर की कैट है, मतलब अभी भी उनके दिमाग में ऐसे मतलब ट्रिक चल रही हैं कि वो आएं और तुम उसके ऊपर फिर से जाल फेंकना शुरू करो, और वो आपके लिए भी काफ़ी परेशान हो रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के भी काफ़ी परेशान है कि वो किसी तरह से ये बाहर निकाल दें इसको और फिर मज़े से लाइफ जिए, चाहे फैमिली हो चाहे अदर पर्सन है, लेकिन वो आपको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स के लिए भी काफ़ी परेशान हो रही है कि ये बंदा हमारी लाइफ से निकल जाए, ना तो सारा काटा ही निकल जाए। जैसे आप उनके पैर का काटा बन रहे हैं तो चलते हैं तो चुभता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर के चिंतित है, लेकिन आपके पार्टनर को लेकर के टेंशन में नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को तो कभी भी बहकाया जा सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को तो कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कोई ड्रिंक भी लेती हैं, अदर लेडी है वो आपके पार्टनर के साथ में, और हो सकता है कि वो ड्रिंक में मिलाकर कुछ देती भी हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया ना मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं वो, ऐसा कुछ भी कर सकती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि अब क्या किया जाए। मुझे यहाँ पर सिचुएशन में चेंज लग रहा है, तो थर्ड पार्टी अपनी लीला दिखाने को तैयार है, वो कुछ भी करने को तैयार है, तो उसके दिमाग में अभी खिचड़ी पक रही है कि मुझे और क्या पासे फेंकने चाहिए आपके पर्सन के लिए, वो और क्या ट्रिक चले, ऐसा वो सोच रही हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ उसके माइंड में बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लेकर के वो काफ़ी थोड़ा सस्पेंस में भी लग रही है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा उसके माइंड में चल रहा है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं इसके ऊपर पूरा भरोसा करके बैठा हूँ या बैठी हूँ और ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। थोड़ा थोड़ा डर भी है, लेकिन वो शो नहीं कर रही है आपके पार्टनर को लेकर के, उनको दिखा नहीं रही है, कि वो ऐसा दिखा रही है कि मुझे तो तुम्हारे विचारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें आना यहीं पे है। लेकिन उसके अंदर ही अंदर जो है घुटन सी हो रही है, उसके अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है, उसके अंदर ही अंदर सवाल उठ रहे हैं कि ये पर्सन अगर चला गया तो हाथ से तो फिर क्या होगा, फिर तो हम बाजी हार जाएंगे, ऐसा वो सोच रही है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि वेट तो करने को तैयार, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं चाहे वो अदर पर्सन है, वेट करने को तैयार है, चाहे कितने लंबे टाइम तक उनको पानी में खड़ा रहना पड़े, लेकिन वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आप कहीं ना कहीं मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि एक दो दिन में ऐसा लगता है कि मुझे कि कोई ना कोई धमाका हुआ है थर्ड पार्टी में, फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में और आपके मेरे व्यूवर्स के बीच में कोई ना कोई तो धमाका हुआ है एक आध दिन के अंदर, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी और आपके बीच में। मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी थर्ड पार्टी इसी वजह से ये मैजिक दो दो आए हैं, मैजिक का इस्तेमाल करने लगी है कि कोई मैजिक हो जाए, कोई वाइट मैजिक या ब्लैक मैजिक का जो है इस्तेमाल करना चाहती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उसके माइंड में चल रहा है, यहाँ पर तो माइंड में चल रहा है और यहाँ पर वो तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि उसको जो है थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होने लगी है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि फिर समस्या हो जाए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनसिक्योर तो फील करने लगी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपके पार्टनर को वो दिखा नहीं रही है कि मुझे इनसिक्योरिटी है कि कभी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो क्या होगा। यहाँ पर अदर मेंबर्स भी हैं जो आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं और फैमिली भी, दोनों ही बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर धमाका तो होगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि धमाका होगा, बहुत जल्द ही धमाका होगा, क्योंकि
यहाँ पर फिर से जो है, मैंने बताया कि यहाँ पर फिर से वो रेडी हो रही है, थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है उसने, या करेगी वो अभी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ एक के साथ में कर दिया है, लेकिन कुछ एक के साथ में वो स्टेप लेने वाली है, वो सोच रही है। देखिए बैठ करके, इसके जस्ट नीचे ही आया है ये, कि वो बैठ कर सोच रही है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा दिखा नहीं रही है, लेकिन उसके माइंड में पॉलिटिक्स चल रही है आपको लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल रही है वो, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या खेलना चाहती है। तो गाइज वो काफ़ी गुस्से में भी है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में है, कंट्रोल कर रही है, और आपके पर्सन के साथ में वो एंजॉय करना चाहती है, पार्टी करना चाहती है, खुशी सेलिब्रेट करना चाहती है। वो ऐसा दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ और आपके साथ में, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, दिखा कुछ हो रही है। देखिए वो आपके पार्टनर को दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी खुश रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी टेंशन आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ना उदास ना हो, ऐसा वो कह रही है जो अदर पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, तभी ये चाल चलना शुरू कर देती है। आपके पर्सन वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनको वहाँ पर जेल के जैसा महसूस होने लगे हैं, वो सोच रहे कि कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुद बाहर निकल आए, लेकिन वो ऐसा सोच रहे कि शायद मेरे पार्टनर ही मुझे बाहर निकाल दे, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन खुद से स्टेप लेना नहीं चाहते हैं। सोच तो रहे हैं माइंड में, लेकिन खुद से स्टेप लेना नहीं चाहते हैं। चलिए और देख लेती है कि थर्ड पार्टी आपको लेकर के क्या सोच रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में जल्द ही धमाका होगा, थर्ड पार्टी की तो लीला ही निराली है गाइस। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोचती है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोचती है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोचती है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोचती है। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रही है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचती है कि इसको तो क्या है, ये तो खून पीने के लिए पैदा हुआ था, ऐसा सोचते हैं। आपको एक एनर्जी सक्कर देखते हैं कि आप एनर्जी सक करने वाले पर्सन हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं एकदम जो है उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते नहीं है, तो वो आपको लेकर के काफ़ी टेंशन में है कि इसको किस तरह से हराया जाए, इसके खिलाफ कोई ना कोई चाल चली जाए, कोई ना कोई ट्रिक चली जाए, ऐसा वो सोच रही है। और यहाँ पर बैठे बैठे जो है वही दिमाग लगा रही है कि इसके साथ क्या किया जाए, इसके साथ कोई ना कोई स्टेप तो लेना चाहिए मुझे, ऐसा थर्ड पार्टी यहाँ पर सोच रही है। उसको ऐसा दिन रात आपके लिए टेंशन रहने लग गई है। अभी हो सकता है कि आप और थर्ड पार्टी के बीच में कहासुनी हुई हो, या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आपकी बात उन तक पहुँची हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव्स हों या आपके कोई फ्रेंड्स हों जिनको लेकर के बीच में, और थर्ड पार्टी आपसे बात कर रही हो, वो थर्ड पार्टी के कोई भेजे हुए हों, या फिर आपके आसपास के कोई लोग हों जो थर्ड पार्टी को और के बारे में जो है उल्टा सीधा बात करती हों, तो वो फिर बाद में जाकर के थर्ड पार्टी को बताती हों। तो थर्ड पार्टी अभी यहाँ पर आपको लेकर के भी परेशान है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और फाइटिंग करने का मन करता है आपके साथ में। थर्ड पार्टी जो है आपके साथ में फाइटिंग करने को सोच रही है, उनको बहुत ज़्यादा जो है इससे निराशा होती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है थर्ड पार्टी। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में भी कुछ हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पकड़े बैठी है, उनको जो है ऐसा एहसास करा रही है कि हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं, तुम्हारे पर्सन ने तो तुम्हें इतना दुख दिया है, हम नहीं होते तो तुम पता नहीं क्या कर लेते, ऐसा थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एहसास करा रही है, और आपके बारे में उल्टा सीधा उनके माइंड में भर रही है, उनका ब्रेन वॉश करने लग रही है, और आपके पर्सन के साथ में इतना अटैचमेंट दिखा रही है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन को लेकर के वो इतना अटैचमेंट दिखा रही है कि हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, ऐसा वो आपके पर्सन को दिखा रही है और उनका ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है।
और ये कहती है आपके पर्सन को, तो थर्ड पार्टी आपके बारे में आपके पर्सन को ऐसा बता रही है कि ये पर्सन तो हमारी एनर्जी को जो है चूसने के लिए आया था, एनर्जी सक कर है ये, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन को बार बार एहसास कराया जा रहा है कि ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब आपका जो है माइंड घूमने लग गया है कि फिर से नई चाल चलने लगे हैं, आपकी माइंड की जो घंटियाँ हैं ना वो बजने लग गई हैं कि अब क्या किया जाए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, और अब मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई जॉब वगैरह भी करते होंगे, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आप थोड़ा सा थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, और लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है चैन की सांस लेने दे तभी ना, वो आपके पर्सन को आए दिन कोई ना कोई बात बहकाती रहती है, कोई ना कोई बात जो है उनके दिमाग में डालती रहती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आप जो है अपने काम में मस्त रहते हैं, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है, उनका जब आपको ऐसा देखते हैं तो उनका माइंड घूमना शुरू हो जाता है कि ये पर्सन को तो हम कितना ही परेशान कर लें लेकिन इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अपने पेंटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ये अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या अपना वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए भी उसका माइंड घूमना शुरू होता है और वो आपके पार्टनर को जो है और ज़्यादा उल्टा सीधा भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसी वजह से उन्होंने अपने पास उनको बिठा रखा है और उनको उल्टा सीधा भरने लग रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करने लग रहे हैं। अब थर्ड पार्टी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है सोचने पर मजबूर हो रही है कि ये पर्सन कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप इनके कंट्रोल में ना हो, कि आप अपना खुद का डिसीजन लेते हो, आप इनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अभी हम आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी देख लेते हैं। थर्ड पार्टी परेशान होने लगी गाइस, बहुत ज़्यादा सोच रही है आपको लेकर के, आपके पर्सन के माइंड में उल्टा सीधा फिर से भरने लग गई है, और उनको जो है जैसे एक बच्चा पास में रहता है ना, इस तरह से बिठा करके और उनको उल्टा सीधा समझा रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपको लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ स्टेप लेंगे, चलिए देखते हैं। तो गाइस मैं देखूं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके प्यार को ठुकरा दिया है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार को उन्होंने ठुकरा दिया है। यहाँ पर मैं इस प्रकार की एनर्जी देख रही हूँ, और वो आपको बहुत ही स्टेबल देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, और आप अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहते हैं, आप हर तरह से उनकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको पेंटिकल्स भी देना चाहते हैं, और आप हर तरह से उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं, आप उनके साथ में एक स्टेबल फैमिली देखते हैं, एक कंप्लीट फैमिली जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ हो। लेकिन आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर को गॉड ने, डिवाइन ने लाइट दे रखी है, लाइट से देख सकते हैं कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, लेकिन आपके पर्सन सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी में ही रहना चाहिए या मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वेट कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि कोई दिन ऐसा आए जो मेरी लाइफ में मिरेकल हो जाए। अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनके फैमिली के लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी उनके फैमिली जो है आए दिन कोई ना कोई या उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई जैसे ऐसा लगता है कि जैसे टाइम निकाल करके उनको समझाने आ रहे हैं या आपको समझाने के लिए आ रहे हैं, और आप भी बहुत परेशान लग रहे हैं, और आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता है, लोग मुझे समझा रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं और आपको भी एडवाइस मिल रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग अपनी एडवाइस को आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और आए दिन हो सकता है कोई ना कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स या कोई आसपास के लोग आपको कुछ ना कुछ कहते रहते होंगे। तो यहाँ पर आप परेशान हो गए हैं और आपके पर्सन भी परेशान हो गए हैं कि अभी आपके पर्सन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, वो जो है चाहते सोचते तो हैं कि आपके साथ में लाइफ को आगे ले जाऊं, कि उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को सिर्फ धकेला जाएगा,
आगे की तरफ धकेल रहे हैं, इसमें कोई भी जो है खुशी नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो आपके साथ आना भी चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई चांसेस नहीं है कि ये ग्रो करेगा, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप शायद ही वर्कआउट करे, ऐसा वो सोच रहे हैं, इसको सिर्फ धकेला जाएगा, इसमें जिया नहीं जाएगा, ऐसा सोच रहे। और आप भी मेरे व्यूवर्स ऐसा ही सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि शायद ही इसमें खुशी आए, लेकिन आप चाहते तो हैं उनको सपोर्ट करना, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना, अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लेकिन आपके पर्सन जो है कुछ बोल नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को तो आगे ले जाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है और इसको सिर्फ हम झेल ही रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और आसपास के लोग काफ़ी एडवाइस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप मेरे व्यूवर्स इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, आप उनका वेट कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सन कुछ बोल के ही नहीं दे रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और लेकिन जल्द ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच धमाका तो होगा, और ये सभी साइन के लिए रीडिंग है, आपके पर्सन किसी भी साइन की हो सकती हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, अगर रेजोनेट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।